दोस्तों आईपीएल 2019 का मैच नंबर 37 खेला जाना है किंग्स इलेवन पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत सकती है। दोनों ही टीम्स की हम 6 बड़े फैक्टर्स देखने वाले हैं, प्लेइंग 11 देखने वाले हैं, हेड टू हेड मैचेस में क्या किसका पलड़ा भारी है, पिच रिपोर्ट क्या है, की प्लेयर्स क्या है, प्लेयर बैटल क्या है, ड्रीम 11 की टीम आपको कहां पर मिलने वाली है। लेकिन वीडियो शुरू करें इससे पहले दोस्तों, अगर आप एक क्रिकेट फैन है तो क्रिकेट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप आरएस एंटरटेनमेंट को तो सब्सक्राइब करिएगा ही, साथ ही साथ अपनी क्रिकेट नॉलेज से घर बैठे लाखों रुपए कमाने के लिए आप अभी नॉस्ट्रा प्रो ऐप को डाउनलोड करें। और अगर आप इस ऐप को अभी डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको अभी आपके वॉलेट में 100 रुपए ऑलरेडी मिल जाएंगे। बात करते हैं हम दोनों ही टीम्स की प्लेइंग 11 की, तो प्लेइंग 11 में देखा जाए तो दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 को देखते हैं तो जो रहने वाली है शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर, कॉलिन मुन्रो, ऋषभ पंत, क्रिस मॉरिस, अक्षर पटेल, संदीप लमिछाने, अमित मिश्रा, गगीसो रबाड़ा और ईशान शर्मा। तो वहीं बात करते हैं हम किंग्स 11 पंजाब की प्लेइंग 11 की, तो जो रहने वाली है क्रिस गेल, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, निकोलस पूरन, डेविड मिलर, मनदीप सिंह, सैम गुररन, रविचंद्रन अश्विन, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी और अंकित राजपूत। तो इस प्रकार से इनकी ये प्लेइंग 11 रहने वाली है। हालांकि एक फास्ट बॉलर ज्यादा जरूर है, इसका चेंज यहां पर आपको देखने को दिखाई दे सकता है। तो वहीं बात करते हैं हम हेड टू हेड मैचेस की, तो दोनों ही टीम्स के बीच में अब तक 23 हेड टू हेड मैचेस हुए हैं जिनमें से 14 मैचेस किंग्स 11 पंजाब की टीम ने और 9 मैचेस दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने जीते हैं। तो वहीं बात करते हैं पिच रिपोर्ट की, तो फिरोज शाह कोटला में ये मैच होना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ की पिच रहती है, हाई स्कोरिंग मैच होते हैं। हालांकि लास्ट के जो 2 मैचेस हुए यहाँ पर पिच में फंसते हुए बैट्समैन जरूर से दिखाई दिए हैं, तो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए हैं, लो स्कोरिंग मैच होते हैं, तो पिच को प्रिडिक्ट करना बेहद मुश्किल है। दोस्तों बात करते हैं हम की प्लेयर्स की, तो दिल्ली कैपिटल्स की ओर से रहने हैं कॉलिन मुन्रो, शिखर धवन, इनके बाद कगीसो रबाड़ा और जिस प्रकार से परफॉर्मेंस दे रहे हैं इनके ऋषभ पंत, ये 4 यहां से की प्लेयर्स रहने वाले हैं। बात करते हैं हम किंग्स 11 पंजाब के की प्लेयर्स की, तो जो रहने वाले हैं क्रिस गेल, केएल राहुल, इनके बाद अगर देखा जाए तो सैम गुररन, रविचंद्रन अश्विन, ये 4 की प्लेयर्स यहां से रहने वाले हैं। तो वहीं दोस्तों अब अगर हम बात करते हैं प्लेयर बैटल की, तो पहली प्लेयर बैटल देखने को मिलने वाली है वो मिलने वाली है शिखर धवन और रविचंद्रन अश्विन की। दूसरी प्लेयर बैटल की बात करते हैं वो रहने वाली है आपको बता दें क्रिस गेल और संदीप लमिछाने की। संदीप लमिछाने के सामने क्रिस गेल हमेशा फंसते हुए दिखाई दिए हैं, ऐसे में ये एक इंटरेस्टिंग प्लेयर बैटल देखने को मिलने वाली है। तो वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं ड्रीम 11 की टीम की, तो ड्रीम 11 की टीम आपको यहां नहीं टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। तो फटाफट जाइए, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर आप वहां से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं आरएस एंटरटेनमेंट ड्रीम 11, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और ड्रीम 11 की टीम आपको वहां पर डेली दी जाती है। तो फटाफट जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो वहीं बात करूं मैं अपनी पर्सनल प्रेडिक्शन की, तो मेरे हिसाब से मेरी फेवरेट इस मैच के लिए किंग्स 11 पंजाब की टीम रहने वाली है। आपकी कौन सी फेवरेट है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और आईपीएल से रिलेटेड कुछ और प्रेडिक्शन वीडियोस, प्लेइंग 11 वीडियोस लगातार पाते रहने के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब करिएगा ही, साथ ही साथ ड्रीम 11 की टीम पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।